एकदम पत्तों की पहुंचे हुए हैं और पत्तों की वजह शोरत यहाँ की नर्सरियाँ ये गुलन फाटक के साथ ये तकरीबन कहा जाता है कि 15 किलोमीटर रेडियस में ये नर्सरियाँ हैं और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ हज़ारों के हिसाब से आपको पौधे मिलते हैं, फलों वाले, फूलों वाले और हर तरह के यहाँ पौधे मिलते हैं। और चलते हैं आपको कुछ नर्सरी ये विज़िट कराते हैं। कहा जाता है कि ये पौधों की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और मेरे लिए भी अमेजिंग था क्योंकि यहाँ से अक्सर गुजर होता है और मुझे इसका वो मैं पढ़ के हैरान हो गया। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूलों की मार्केट भी यहाँ पे है और यहाँ 100 से ज़्यादा गुलाब के फूल हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसकी काश्त होती है और बहुत जगहों पर आप बहुत सारी इवेंट्स में आप देखते हैं और कई किस्म के फूल हैं और ख़ास तौर पे यहाँ जो फूल हैं वो पूरा साल आपको मिलते हैं। और ये मार्केट जो है ये रात को आधी रात के बाद ओपन होती है और सुबह सूरज तुलू होने से पहले पहले फिनिश हो जाती है। और ये फूल जो है ना पूरे पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी भेजे जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ नर्सरीज हैं और कहा जाता है कि 15 किलोमीटर रेडियस में ये नर्सरीज यहाँ कायम हैं और 40% से 50% लोगों का रोज़गार इन नर्सरियों से वाबस्ता है। और यहाँ हर तरह के फूलदार पौधे और फलदार पौधे भी यहाँ मिलते हैं और घर की आराइश के लिए भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं जो सदाबहार होते हैं और बोनसाई पौधे भी यहाँ मिलते हैं जो छोटे पौधे होते हैं, खूबसूरत होते हैं बट एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा। चलते हैं आपको पौधे दिखाते हैं। ये मैं एक नर्सरी में हूँ जहाँ ग्रीन हाउस से उन्होंने यहाँ इसको पौधों को बचाया है, सर्दी की वजह से सर्दी से बचाया गया है इसको और ये पौधे थोड़े सेंसिटिव हैं और यहाँ अच्छा खासा टेम्परेचर जो है ना गर्म लगता है, लगता नहीं है कि हम ठंडे इलाके में पहुँचे हुए हैं। और इन्होंने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है और क्योंकि इनकी सेफ्टी के लिए इन्होंने ये किया हुआ है और इसको पौधों को नुकसान से बचाने के लिए सारे अरेंजमेंट की गई है। मैं भी हैरान हूँ कि हज़ारों पौधे यहाँ पाकिस्तान के दूसरे शहरों में लोग ख़रीद के ले जाते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी यहाँ से पौधे जाते हैं और लोगों को अब अपने घरों को खूबसूरत बनाना, अपने लॉन को खूबसूरत बनाने का बड़ा शौक़ है। हमारे लोग जो है ना वो नेचर लवर बनते जा रहे हैं। और इसकी पत्तों की बड़ी हिस्ट्री है नर्सरियों की। कहा जाता है कि 30-35 साल 40 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, ये नर्सरियों का आगाज़ हुआ और एक स्टोरी भी है, मिथ ही है कि एक बाबे ने यहाँ बैठा हुआ था तो पौधा एक फूल एक जो है ना वो नहर में बहता हुआ आया तो उसने वो टहनी को ज़मीन में गाड़ दिया कि ये डैमेज ना हो, ज़मीन में गाड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद वो कोंपले निकली तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसने फिर वो एक छोटी नर्सरी बनाई और वो काम बढ़ता 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 यहाँ कहा जाता है कि हज़ारों के हिसाब से यहाँ नर्सरियाँ हैं और रोड के दोनों साइडों पे भी, जीटी रोड के दोनों साइड पे भी नर्सरीज हैं और करीब करीब 15 किलोमीटर में जितने भी गाँव में खेती बाड़ी हो रही है वहाँ पौधे ही उगाए जा रहे हैं।